नमस्कार, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिन से पहले ही दिल्ली में हथियारों का जखीमा बरामद। स्वतंत्रता दिन आने से पहले ही दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल स्टाफ की टीम ने हथियार सप्लायर को 20 आधुनिक पिस्तल और 4 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आर्म सप्लायर का नाम मुफीद है। मुफीद पुलिस को चकमा देने के मकसद से गुफारा विक्रेता बनकर गैंगस्टरों को हथियारों की सप्लाई करता था। आरोपी को जाफरपुर कहां इलाके में पकड़ा गया। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुफीद वेश बदलकर रेड लाइट पर गुफारों को साथ खड़ा था। उसने गुब्बारों के पैकेट के बीच हथियार छुपाकर रखा था। डीसीपी द्वारका ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने इसे जाफरपुर इलाके से पकड़ा गया है। द्वारका डीसीपी संतोष मीना ने आगे बताया कि हेड कांस्टेबल रसमुद्दीन को सूचना मिली थी कि मुफीद हथियार की सप्लाई करने जाफरपुर इलाके में आने वाला है। उसी सूचना पर एसीपी ऑपरेशन विजय सिंह यादव की देखरेख में इंस्पेक्टर नवीन कुमार की टीम ने इसका पता लगाया। जब पुलिस स्टाफ पर पहुंची तो वो गुब्बारा लेकर ऐसे खड़ा था माने इसे बेच रहा हो। पुलिस ने जब उसकी तलाशी लेने की कोशिश की तो उसके कहा कि तो वो गुब्बारा बेचने वाला है। पुलिस ने इससे बैग की तलाशी ली जिसमें से 20 पिस्तौल, 4 कारतूस और बैलून लगाए गए थे। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान आरोपी ने जांच टीम पर पिस्तौल भी तान दी थी, लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले पुलिस ने उसे दबोच लिया।